Hey, what's up guys? It's me Chirag and welcome to my YouTube channel. तो कैसे हो आप सब? तो guys, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मेरे 15 दिन में Instagram में 60,000 फॉलोअर कैसे हो गए। आप देख सकते हो मेरा अकाउंट, मेरी एक रील की वीडियो में तो 5 मिलियन से भी ज़्यादा व्यूज़ चल गई हैं, अभी मैंने डाली थी कुछ दिन पहले। तो मैं आपको नई नई ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आपकी वीडियो भी वायरल हो सकेगी एंड Instagram के नए नए अपडेट जो अभी आए हैं, नए नए फीचर्स जिनके बारे में आपको शायद पता ही नहीं होगा। तो चलो वीडियो को देखते हैं एंड इस वीडियो में कुछ भी अच्छा सा कमेंट कर देना, लाइक कर दो। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको फर्स्ट ट्रिक बताता हूँ जिससे आप रील्स में लाइक्स एंड व्यूज ले सकते हो और उसके बाद मैं आपको इंस्टाग्राम के नए नए अपडेट एंड फीचर्स बताऊंगा। तो सबसे पहले यार, रेगुलर वीडियो डालो रील्स में, और अगर आप रेगुलर वीडियो डालोगे तो आपको ज़्यादा चांस होगा लाइक एंड व्यूज आने का। अगर आप हफ्ते या 2 हफ्ते बाद डालोगे तो आपको व्यूज़ नहीं आने वाले। ओके, तो मैंने भी रेगुलर वीडियो डालना शुरू किया तो जाके मेरे लाइक्स आने शुरू हो गए। जो आपका टॉपिक है वो डिसाइड करना होता है, वैसे ही टॉपिक पे आपकी सारी वीडियो होनी चाहिए तो आपका रील्स आगे जाता है। नेक्स्ट ट्रिक बताता हूँ जिससे आपके जो फॉलोअर होंगे ना वो एक्टिव हो जाएंगे और आपका आईडी फ्रीज नहीं होगा कभी। आपको रेगुलर स्टोरीज डालनी है या क्वेश्चन की डालो, आपका फेवरेट सिंगर कौन सा है ऐसे स्टोरी डालो, या आप पोल की डालो, उससे ऐसा होगा आपके अकाउंट की रीच बढ़ जाएगी, स्टोरीज में भी व्यूज ज़्यादा आएंगे और रील्स में भी आने शुरू हो जाएंगे ज़्यादा। दूसरी चीज़ गाइस, आपको ना लेटेस्ट ट्रेंड एंड लेटेस्ट साउंड में पक्का वीडियो डालनी है। अभी के टाइम में ये पहले साउंड चल रही थी तो मैंने इस पर वीडियो बना ली, क्योंकि कैपकट का ट्रेंड में तो ज़्यादा फायदा होता है। अगर आप कैपकट के ट्रेंड में, मतलब अगर आपके कम फॉलोअर भी है ना तो भी आपका रील्स वायरल हो सकता है। तो मैंने इस पर वीडियो डाली तो मेरे लाखों में लाइक चल गए थे। बट अभी के टाइम में एक और कैपकट का ट्रेंड बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है, 3D जूम वाली। इसको ये जस्ट आपको ना पहले तो कैपकट डाउनलोड करना होगा मेरे टेलीग्राम में, उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी फोटो डालनी है कैपकट में, फिर आपको स्टाइल में जाना है और यहाँ पे आपको 3D जूम प्रो पे क्लिक करना है। आपका 3D जूम वाला इफेक्ट लग जाएगा आपकी फोटो में, आपकी वीडियो बन जाएगी। इस ट्रेंड में वीडियो डाल लो एंड साउंड का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको इंस्टाग्राम के नए नए अपडेट्स बताता हूँ एंड जिन अपडेट्स के बारे में शायद आपको पता ही नहीं होगा। तो सबसे पहला अपडेट है शॉर्टकट शेयर ट्रिक। अभी मैं रील्स देख रहा हूँ एंड अचानक से मुझे कोई रील पसंद आया था तो मैं शेयर पे टैप करके रखूँगा एंड यहाँ पे आप शॉर्टकट किसी को भी 1 सेकंड में वो वाली रील वीडियो सेंड कर सकते हो। ओके, काफ़ी सही अपडेट है। नेक्स्ट अपडेट है इंस्टाग्राम का, जिसमें आप अपनी हाइलाइट्स को रील्स में कन्वर्ट कर सकते हो। तो आपको अपने हाइलाइट में जाना है एंड यहाँ पे आपको साइड पे क्लिक करना है, हाइलाइट टू रील पे क्लिक करना है एंड आपके हाइलाइट्स अब रील में कन्वर्ट हो जाएंगे एंड आप डिज़ाइन कर सकते हो ऐसे, और यहाँ पे आप साउंड भी डाल सकते हो। नेक्स्ट इंस्टाग्राम का अपडेट है जो अभी आया है एंड इस फीचर से आप सब कुछ देख सकते हो यार आपने अभी तक क्या क्या किया है इंस्टाग्राम में। इसके लिए आपको साइड में यूअर एक्टिविटी में जाना है और यहाँ पे आपको इंटरेक्शन पे क्लिक करोगे तो आपको स्टोरी रिप्लाई सारे दिख जाएंगे, अभी तक आपने कहाँ कहाँ स्टोरी में रिप्लाई किया एंड किसकी किसकी वीडियो लाइक की है। लाइक पे क्लिक करो एंड अनलाइक भी अब एक साथ कर सकते हो। ओके, और रिसेंट डिलीट की ऑप्शन भी यहाँ पे शिफ्ट हो गई हुई है। मैं तो पहले सोच रहा था रिसेंट डिलीट गायब हो गया, बट यहाँ पे आ गया हुआ रिसेंट डिलीट। अब से आप कुछ भी रील्स का डिलीट करते हो तो वो यहाँ पे चल जाएगा। अब मैं आपको रील्स के कुछ वायरल इफेक्ट्स बताता हूँ जो आपको ज़रूर ट्राई करने चाहिए। तो सबसे पहले ये वाला इफेक्ट चल रहा है तो इसमें लोड होता है आपका वीडियो एंड ये इफेक्ट भी काफ़ी ज़्यादा इसमें रील्स वायरल हो रही हैं। और एक और नया इफेक्ट चल रहा है जिसको हम बोलते हैं फ्लेम इफेक्ट। इसमें ऐसे फ्लेम, ऐसे लाइट आती है जब आप इस इफेक्ट को यूज़ करते हो। तो इस इफेक्ट का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, काफ़ी सही इफेक्ट है। और एक और हैक है इंस्टाग्राम का, अगर आपको मतलब ना जूम वाली ट्रांजिशन चाहिए अपने फ़ोन से, आप जूम वाली ट्रांजिशन कैसे बना सकते हो विदाउट एडिटिंग, उसके लिए जस्ट आपको इंस्टाग्राम का कैमरा ओपन करना है एंड यहाँ पे आपको जूम सर्च करना है एंड यहाँ पे ये इफेक्ट आ जाएगा जिससे आप जूम वाली ट्रांजिशन 1 सेकंड में बना सकते हो। तो गाइज, आप एक और चीज़ किया करो, मैं भी ऐसा करता हूँ, मेरे ना कुछ नॉन में अकाउंट्स हैं ठीक है जिनसे मैं अपनी रील की स्टोरी लगवाता हूँ और मैं फिर उनके लगाता हूँ। तो आपको ये प्रोसेस ना करना होगा अगर आपको ज़्यादा व्यूज़ चाहिए एंड रील्स को वायरल करना है। जो भी आपके टाइप के वीडियो बनाते हैं या लोगों से मतलब फ्रेंडशिप कर लो इंस्टाग्राम में एंड उनको कहा करो यार मेरी ना रील की स्टोरी लगा दे और मैं तेरी लगा दूंगा स्टोरी, ठीक है। उससे ऐसा होगा जितने भी उसके स्टोरी के व्यूज़ होंगे ना वो आपकी रील में काउंट हो जाएंगे। तो दूसरों से स्टोरी लगवाया करो अपनी रील की एंड खुद भी डाला करो दूसरों की।
अब हम बात करते हैं आप इंस्टाग्राम से पैसे कैसे कमा सकते हो, तो सबसे पहले ये मेरा पर्सनल अकाउंट है इंस्टाग्राम का, और यहाँ पे आप मेरे बायो में देखोगे यहाँ पे आपको मेरे दोनों अकाउंट्स मिलेंगे, एक मेरा मीडिया एजेंसी वाला अकाउंट है और एक मेरा एडिटिंग वाला अकाउंट है। अब मेरी मीडिया एजेंसी में ना रिक्वायरमेंट होती है, जैसे उनको ना दूसरी ऐप वालों को बंदे चाहिए होते हैं। सबसे पहले टिकी ऐप की बात करते हैं, यहाँ पे आपके इंस्टाग्राम में 10,000 फॉलोवर होने चाहिए और आपको 2,000 रुपये मिलेंगे, बट आपका वीडियो लिपसिंग वाला नहीं होना चाहिए, तो आप मुझे DM कर सकते हो, मैं आपको टिकी ऐप में लगवा दूंगा। मौज की बात करें, मौज में आप 2 से लेकर 30,000 तक कमा सकते हो एंड आपके फॉलोवर भी मैटर नहीं करेंगे, बट इसके लिए आपकी वीडियोस कुछ ऐसी होनी चाहिए। इंस्टाग्राम में अगर आप बैडमिंटन या क्रिकेट या बास्केटबॉल वाली वीडियो डालते हो, जैसे अभी ना हमें सिंगर वाले चाहिए, सिंगिंग वाले, और जो लोग YouTube में वीडियो बनाते हैं, फ़ोन रिव्यू करते हैं या वॉच रिव्यू करते हैं, हेडफोन रिव्यू करते हैं, और बाइक रिव्यू वाले बंदे चाहिए, अभी इनकी ही रिक्वायरमेंट है। तो आप मेरे ये अकाउंट को भी फॉलो कर लेना पर्सनल, ओके, तो आपको पता चल जाएगा। तो गाइस इस वीडियो को लाइक कर दो एंड कमेंट में मुझे बताना कि आपको कितने व्यूज़ एंड लाइक्स रील्स में मिलते हैं, कितने व्यूज़ आपको आते हैं, और कमेंट में अपने इंस्टा ID भी कमेंट कर सकते हो। जिन्होंने लास्ट वीडियो में इंस्टा ID कमेंट की थी, तो उन सबको भी शाउट आउट दे रहा हूँ, तो अगर आपको भी शाउट आउट चाहिए कमेंट कर देना अपने इंस्टा ID, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे दूँगा। बाय बाय, टेक केयर, टाटा।